हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग नहीं, वैसे मुझे गुड नाइट बोलना चाहिए क्योंकि अभी रात हो रही है और हम जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने। मैं आपको दिखाता हूँ, हम सारे लड़के लड़के जा रहे हैं भाई। और अभी मैंने अपना बैग वगैरह पैक कर लिया है, तो बस अभी सब रेडी हो रहे हैं, फिर निकलते हैं। और आपको भी ट्रिप पर लेके चलता हूँ मैं अपने साथ, और आपको भी दिखाऊँगा ऋषिकेश हरिद्वार सारा घुमाएँगे आपको भी। और देखो, यहाँ पर बैग पैक कर लिया है मैंने, अपना सारा सामान रख लिया है इसमें ही अंदर। अभी हम सब यहाँ पर आ चुके हैं और देखो, यहाँ पर हमने सारा सामान रख लिया अपना। देखिए सब भाई अपना सामान रख रहे हैं, सबसे ज़्यादा सामान इनका ये देखो, सबसे ज़्यादा सामान इनका ये है। और ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, और यहाँ पर डैडी भी खड़े हैं। ओके डैडी, मिलते हैं फिर जल्दी, ठीक है बाय। तो अभी हम सब रेडी हो गए हैं, बस निकलते हैं आप जल्दी से। और गाइज, अभी हम जा रहे हैं, कार में बैठ चुके हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। और यहाँ पर है कार्तिक और एक ऋषभ भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर। रोम रोम भाइयों, ये इनका फेमस डायल हो गया, रोम रोम भाइयों। यहाँ पर विनय भाई बैठे हुए हैं हमारे बड़े। हेलो, यहाँ पर गौतम भाई पूरी रात चला रहे हैं। ये फूल सबसे पहले थम सब खोल चुकी है यहाँ पर केशव भाई द्वारा। पीके देगा कैसा टेस्ट है ये, खाली कर दी इनने, आधी कर दी। अभी पी लो थोड़ी सी, हमको एनर्जेटिक रहना है पूरे टाइम में, नहीं आने चाहिए ड्राइवर। वीडियो बनी है फोन में लगे हुए हमने, और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम, फुल मज़ा आ रहा है। नाइट वाइब्स लेते चलते हैं, सॉन्ग की वाइब्स लेते हुए चलते हैं। ये देखो बस यहाँ से सोने वाली, बिल्कुल नहीं सोए हम। अभी हम आ चुके हैं ढाबे पर, रुके हैं, और यहाँ देखो भाइयों की फुल फोटो चल रही है। भाई का 75 हार्ट का सातवा दिन चल रहा है जंक फूड खाने का, जंक फूड खाने का। यहाँ पर अभी हम ढाबे पर रुके हुए हैं और ये बैग में ले हुए हैं आराम से। अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये केशव भाई का बैग है, टिकट काट रहे हैं। चलो अभी यहाँ पर थोड़ी देर हम रुके हुए हैं शिवा ढाबे पे, घूमते हैं यहाँ पर। 75 वार्ड की 75 फोटो, 75 वार्ड की 75 भी फोटो खींच रही है ये। कौन सी गाड़ी है? ज़्यादा मत भरना है, मलाई डाल दो अगर है तो। और गाइस, यहाँ पर अभी हम खड़े होकर पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय। और गाइस, अभी हम निकल चुके हैं मस्त बढ़िया चाय पीकर कुल्हड़ वाली, और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं वापस हरिद्वार के लिए। तो चलो चलते हैं, और आपके साथ मतलब आपको अपने के साथ लेकर चलते हैं और घुमाते हैं। तो नानो इस टाइम नानो भाई भाई मेरे हिसाब से चल रहन दे ना, चांद जब आए तुम जैसे गाड़ी में बैठे। और गाइस, अभी हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट पर, और सुबह के 4:30 बज चुके हैं। और आप देख सकते हैं माहौल यहाँ पर बिल्कुल सुन सन्नाटा पड़ा हुआ है, बहुत ही कम लोग हैं। और यहाँ पर घाट पर जाने का रास्ता अंदर से अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है,
मतलब दिन नहीं निकला अभी पूरा, तब मैं आपको दिखाऊंगा और अच्छे से। गाइज अभी हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट पर और यहाँ पर देखो सब फोटो क्लिक कर रहे हैं। और भाई मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पानी का लेवल काफ़ी तेज़ है, पानी आपको दिख रहा होगा यहाँ से काफ़ी तेज़ है। और ये देखो ये सारी मिट्टी पड़ी हुई ना, मतलब यहाँ तक भाई पानी आ गया था अभी थोड़े टाइम पहले, पानी आ गया था ना, लेवल बढ़ गया था उस टाइम पर। और यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे, यहाँ पर ये काफ़ी सारे लोग जो है सो रहे हैं, अब पता नहीं वो क्यों। और यहाँ पर लोग पूजा वगैरह भी कर रहे हैं अपनी, हमने तो आके हाथ जोड़ लिए हैं बस ऐसे ही। और पानी का लेवल बहुत तेज़ है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम अभी मॉर्निंग की वजह से नहा नहीं रहे हैं, बाकी थोड़ी देर में सिनेमैटिक एक मिनट में उसकी बोर्ड की बना रहा हूँ। गाइज यहाँ पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, वेलकम एस्टीम्ड गेस्ट G20, G20 के सभी गेस्ट का स्वागत है। और अभी तो भाई काफ़ी टाइम मतलब जल्दी गई है ना, सुबह का 5 ही बज रहे हैं, तो देखो काफ़ी खाली है त्रिवेणी घाट। और यहाँ पर सुबह की आरती नहीं होती है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मॉर्निंग की आरती नहीं होती, इवनिंग में होती है शाम 6 से 7 बजे। हमें लगा था मॉर्निंग की भी होती होगी, इसलिए हम आ गए थे यहाँ पर और हमने अच्छे से देख लिया है भाई, घाट पे भी दर्शन वगैरह कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ चलना है और आपको भी घुमाते हैं। और गाइस अभी सुबह हो चुकी है भाई, 6 बजने वाले हैं और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, इतना अमेजिंग व्यू आ रहा है ना, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हवा और भाई इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं रोड पर ही और इतना अच्छा लग रहा है, और मैं भी आपको आगे और दिखाता हूँ, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, आप देखते रहना ब्लॉग। गाइज अभी हम इतनी हाइट पर आ चुके हैं, बादल नीचे हो गए हैं भाई देखो, मतलब हमारे साथ साथ बादल चल रहे हैं। ऐसा पहले हमें लग रहा था ऐसे कहीं धुआं हुआ निकल रहा है कहीं से, बट अब पता चल रहा है एक्चुअली बादल है, हम बादलों के साथ आ गए हैं, बल्कि उनसे भी ऊपर बादल नीचे दिख रहे हैं यहाँ पर, इतनी हाइट पर हम आ चुके हैं भाई, अमेजिंग एक्सपीरियंस। अभी बन रहा है, मैं अभी आगे करने वाला हूं, तब तक बाइक से थोड़ी आते हैं। गाइज अभी हम यहाँ पर रुके हैं एक स्पॉट पर और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का नज़ारा अपने, ये देखो भाई यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं और नज़ारा देखो, मतलब ये बादल दिख रहे हैं लिटरली, गाड़ियाँ यहाँ से जाती हुई और बादल दिख रहे हैं, क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है यार, मज़ा आ गया देख के। सुबह सुबह का 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अलग ही मतलब यहाँ पर ना एक फ्रेशनेस सी है, इतने सारे दिल्ली की पॉल्यूटेड हवा नहीं है यहाँ पर, यहाँ की हवा बहुत फ्रेश है और काफ़ी रिलैक्सिंग सा इन्वायरमेंट है यहाँ पर। ओ,
गाइज यहाँ से लिटरली हाइट देखो भाई, आप इमेजिन करो ये कितनी फीट नीचे होगा, पानी दिख रहा है देखो गंगा जी का। ये खाली वैसे ही दिखावे के पेड़ है ये, और वैसे गीले हो रहे हैं ये तो, और बेयर गिल्स होता वो भी नहीं उतर पाता भाई यहाँ पर, बहुत हाइट अच्छी खासी है। बेयर गिल्स के चाचा को दिखा दो, देखो कहाँ पे कह रहा है, बेयर गिल्स के चाचा वहाँ खड़े नहीं गाइस। काफ़ी बोर थिएटर रहा यहाँ पर आना भाई, काफ़ी बढ़िया व्यू आया, मज़ा आ गया। तो अब हमने मोनिश भाई का चैनल कर लिया हाईजैक, अब हम इन सबसे लेंगे रिव्यूज़। हाँ ये कर लो पहले कि इनको यहाँ पे आके कैसा लगा। सो मिस्टर गौतम कैसा फील आया आपको यहाँ आके? वेरी नेचुरल। सो मिस्टर मोनिश कैसा लगा आपको हिल्स पे आकर? अमेजिंग। ये तो आपका तो फर्स्ट टाइम था ना? यस नो सेकंड टाइम। ओके सो मिस्टर कार्तिक आपको कैसा फील आया यहाँ आके? वेरी गुड। विनय भाई कैसा लगा यहाँ आके? वो बिजी हैं अभी। विनय भाई बिजी हैं, चलो बाद में बताएंगे उनका। और गाइस अभी हम एक दुकान पर रुके हुए हैं चाय नाश्ता करने के लिए। ये इसकी स्टोरी नहीं पूरी हो रही मैले हो गए हम। और गाइस यहाँ पर मैगी आ चुकी है, पहाड़ों की फेमस मैगी। ये खाते हैं पहाड़ों की फेमस, स्पेशल हो चुका है। पत्ते के पीछे पीला पत्ता दिखाई दे रहा है, जिसको गौतम भाई कह रहे हैं वहाँ कोई भूत प्रेत लटक रहा है, वहाँ कोई भूत प्रेत लटक रहा है। पहाड़ों का स्पेशल डांस भाई को भी तो यार, भाई भी तो नाच रहे हैं, इनको नचाए यार। ये टायर्ड हो चुके हैं बेचारे बहुत ज्यादा चला चला के। और गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। रुके हैं और यहाँ पर देखो कितना अच्छा वाटरफॉल है। और ये देखो यहाँ पर, ये क्या कर रहा है तू? ओए कार्तिक ये क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के? और गाइस पानी की स्पीड देखो कितनी तेज है भाई, पूरे वहाँ तक जा रहा है देखो पानी, उस साइड तक जा रहा है पूरे। हम रास्ते में से जा रहे थे ना तो हमें वाटरफॉल मिला ये, और हम यहीं रुक गए हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर, फुल एंजॉय करते हुए यहाँ पर फुल एंजॉय करते हुए भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है। पानी एकदम ठंडा है बिल्कुल बर्फ वाला, और काफ़ी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है भाई। और गाइस यहाँ का मतलब व्यू ऐसा है ना भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ना। वो देखो उधर जूम करता हूँ मैं, पानी देखो कितनी दूर से आ रहा है वहाँ से पूरा भाई, और यहाँ करते हुए यहाँ से पूरा देखो भाई वहाँ तक जा रहा है पानी, और बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना यहाँ पर। और पानी भी एकदम ठंडा और बिल्कुल साफ़ होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर तो डायरेक्ट नेचर से आ रहा है पानी, बिल्कुल पहाड़ों में निकल के तो बिल्कुल साफ़ पानी होगा यहाँ का तो एकदम। गाइस पानी देखो एकदम साफ है बिल्कुल साफ है भाई, तो देखो गाइस वहीं पे नहाने लगे। और गाइस अभी हम निकल चुके हैं वहाँ से आराम से भाई, फुल नहाए हम आराम से झरने में, मज़ा आ गया नहा के, नेचुरल वाटरफॉल इतना मज़ा आया ना नहा के भाई, बस पूछो। तो अभी हम जा रहे हैं स्टे करने के लिए कहीं।